खंडवा जिले के खालवा तहसील मुख्यालय पर क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के माध्यम से खंडवा जिले के आदिवासी विकास खंड खालवा में 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। वहीं शिविर में इंदौर खंडवा के प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा सेवाएं दी गई। इस शिविर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की जांच व सोनोग्राफी मौके पर ही की गई। वहीं इंदौर के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा छोटे बच्चों के हृदय से संबंधित जांच, एक्सरे पैथोलॉजी सहित सैकड़ों प्रकार की जांच स्वास्थ्य शिविर में की गई। मेरे बच्चे की पेट में प्रॉब्लम थी, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, वो लेटर नहीं जा पा रही थी सही से, तो यहाँ पे बिल्कुल सही इलाज हो रहा है। मीसू को इलाज हो रहा है, यहाँ पे इंदौर से बड़े बड़े डॉक्टर आए हुए हैं, वो बहुत अच्छे से इलाज कर रहे हैं और यहाँ पर सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इंदौर और खंडवा दोनों से आए हुए बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे से इलाज कर पा रहे हैं। मेरी बच्ची का भी इलाज करा है, सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, सारी कैंप लगा था यहाँ पर, एचडी लेकर रूम में चेक था इसके, और यहाँ पर क्या इसको सुविधा अच्छी मिली, इसमें मुझे अच्छा लगा, इसलिए वहाँ से यहाँ लेकर आया था। मैं खार का निवासी हूँ और खालवा आया था, यहाँ पे मैंने मतलब एसएससी वगैरह और सारी सुविधा मेरे को मिली। मैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर से आए हैं। हमारी पूरी टीम इको मशीन के साथ यहाँ पर आई है। अभी तक 60 से 65 बच्चे का इको किया जा चुका है, उसमें से 25 बच्चों को सर्जरी के लिए एस्टिमेट दिया हुआ है। 15-20 बच्चे अभी और भी एक्सपेक्टेड, उनकी जांच अभी की जाएगी। ये सारे बच्चे यहाँ पर हमारे CMHO साहब, उनकी साथ की टीम, आशा कार्यकर्ता, डॉक्टर्स जो हमारे खंडवा की पेरिफेरी में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा स्क्रीन करके चिन्हित करके लाए गए, उन सबकी जांच करके उन्हें प्रॉपर इलाज दिया जाएगा। साथ में जिनको सर्जरी की जरूरत है, उनकी सर्जरी अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर में आयुष्मान या RBHK के अंतर्गत सरकारी बजट से फ्री की जाएगी। हलवा से मुकेश जाधव की रिपोर्ट।